मित्रा अज फिर थोड़े लिए थोड़ा हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानू पता है कि इस प्रोग्राम दे विच मैं पहला अपनी किताब विज्ञानी बाबे विचों एक लेख पढ़दा ते फिर उस तो बाद टैलीफोन दे राही तुहाडे नाल संवाद रचाउण दी कोशिश करदा, एक डायलॉग रचाउण दी कोशिश करदा ता कि असी अपने जिहड़े विचार हैगे आ सांझे कर सकीए। तो साडा टैलीफोन नंबर जिहड़ा हैगा वह स्क्रीन के थले भी आ रहा है 0300 770 2246। तो जे असी बरतानिया तो बाहर से टैलीफोन कर रहे तो फिर तुहानू इंटरनेशनल कोड लाने तो बाद बरतानिया का कोड 44 तो उस तो बाद 300 770 2246 नंबर कमाना पेगा। तो ये जो प्रोग्राम हैगा ये तुहाडे टैलीफोन कॉल्स राही ही कामयाब हुंदा हैगा ते कामयाब हो रहा हैगा। तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं अज भी अपना भरपूर योगदान पाओगे, तुसीं अपना कीमती टाइम कढ़दे आ, अपने कीमती विचार दिंदे आ। मैं तुहाडा तहे दिल तों बहुत बहुत ज़्यादा धन्नवादी हैगा। तो इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ियां शख्सियतां बारे आपां लड़ी जन के शुरू की है इस किताब के विचों, शायद उन्हां महान विज्ञानियों बारे किसी होर टैलीविजन ते जां किसी होर रेडियो ते मेरा ख्याल शायद ना गल हुंदी होवे। ते मैं समझदा वी कि ये विलखण किस्म दा जिहड़ा प्रोग्राम हैगा वह सिर्फ कंछी टैलीविजन तो ही प्रसारित किया जाता। तो कंछी टैलीविजन ते जिहड़े असीं प्रोग्राम दिंदे हैगे आ वह वक्खरे वक्खरे प्रोग्राम असीं दिंदे हैगे, वक्खरे वक्खरे सबजैक्ट्स नाल, वक्खरे वक्खरे मुद्दयां नाल कंसर्न हुंदे है। खबरां दिंदे आ, एंटरटेनमेंट भी जिहड़ा साडे ते चलदा हैगा, फिल्मां भी असीं दिखाउंदे हैगे आ, समाजिक मसलों बारे भी गल करदे आ, ते जिहड़े करंट मसले है उन्हां बारे भी गल करदे आ, हैल्थ बारे भी गल साडे इत्थे हुंदी है, ते होर जन किहड़ा साइंटिफिक जिहड़ी थिंकिंग है उहदे बारे भी असीं गल करदे आ। इस तों बिना होर भी बहुत सारे जिहड़े प्रोग्राम हैगे आ असीं इस प्रोग्राम विच इस टैलीविजन ते दिंदे आ, धार्मिक प्रोग्राम भी दिंदे हैगे आ वक्खरे वक्खरे धर्मां दे। मैं सिर्फ जिन्नी वरायटी असी इस टैलीविजन ते दिंदे हैगे शायद ही किसी होर टैलीविजन ते हुंदी होवे। ते जे तुसीं चाहुंदे आ कि साडा इह टैलीविजन चलदा रहे तो फिर तुहाडी माइक सहायता की सानूं जरूरत है, क्योंकि इस वेले काफ़ी डिफिकल्टीज़ के विचों जिहड़ा टैलीविजन जा रहा। तो जे आपां माइक सहायता पूरी ना कर सके तो फिर टैलीविजन बंद भी हो सकता है। तो अपनी आवाज़ तुहाडी आवाज़ जिहड़ी हैगी उहनूं चालू रखण दे लई सानूं इहदी वध तों वध सहायता करनी चाहिए। तुहाडे 5 पाउंड, तुहाडे 10 पाउंड, तुहाडे 20 पाउंड ये थोड़े थोड़े करके ही बहुत बड़ी रकम बनती है। तो जो तुम अजक बहर तुम जो जाने पब जाने तो थोड़ा ईवन पॉइंट भी जन जो है 5 पाउंड तो घट नहीं आता। तो जो फिश एंड चिप्स लैन जाने तो वह भी 10-15 पाउंड उत्थे लग जाते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुहानू कंछी टैलीविजन की सपोर्ट करनी चाहिए है। तो नाल दी नाल ही तुसी किसी भी प्रोग्राम नू, ये नहीं मैं कहता कि मेरे प्रोग्राम जन कि मेरा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा उहनू तुसी स्पॉन्सर करो, तुसी किसी भी प्रोग्राम नू अपने घर में जिहड़ी खुशी है उन्हों साझा करने लिए स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो उस टैलीफोन नंबर हैगा जो साडा स्क्रीन के थले आ रहा है 0300 770 2246 उसे संपर्क करना पेगा। तो अज जिस शख्सियत बारे आप अज गल करनी है वो ही जो शख्सियत है जिन्हों 2 नोबल प्राइज़ मिले सी, तो वह एक वूमन है। तो वो जी काढ़ है कढ़ी वो अज भी असी यूज कर रहे हैं, जिहड़ा कैंसर का इलाज असी करते, रेडिएशनस जिहड़ियां असी दिंदे हैगे उन्हां जिहड़े सैल यानी कि कैंसर सैल हुंदे उन्हां नूं मारन दे लई जिहड़ी रेडिएशन करते हैं, ये इस महान विज्ञानी की काढ़ हैगी आ। तो मैं गल कर रहा हैगा मेरी क्यूरी की, तो मेरी क्यूरी बारे उन्हें जिंदगी विच की स्ट्रगल की, कित्थे कित्थे की कुछ होया उहदे बारे मैं तुहानूं सारा पढ़ के सुणाउणा जिन्ना जिन के मैनूं खोज तो बाद ही पता लगा। बाकी मैं तुहाडे विचार भी सुनना चाहुंदा, तुसी इस प्रोग्राम बारे की कहना चाहुंदे आ, तुसी मेरी क्यूरी बारे की कहना चाहुंदे आ, जान के तुसी होर कोई तुहाडा जिहड़ा कोई सजेशन हैगा उहदे बारे तुसी की कहने आ। मेरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 नूं पोलैंड की राजधानी वारसा में होया। उसके पिता प्रोफेसर सकलोडुस्का साइंस के लैक्चरार सन।
उस दे मापियां दे घर दा नाम मेरी सकलोड्सका सी। पिता दे असर करके बच्चियां दीआं रुचियां साइंस दे ज्ञान वल हो गई। मेरी अपने माँ बाप की पंजवीं सब तो छोटी बच्ची सी। वो पढ़न बहुत होशियार सी। 15 साल की उम्र में अपनी क्लास में पहले नंबर पर आई सी। मेरी दे 10वें वरे की उम्र में उसकी माँ की मौत हो गई। उन्हीं दिनी पोलैंड उत्ते रूस के जार का राज सी। जनता उस उत्ते उस तरह का जुर्म ते सख्ती होंदी सी जिस तरह भारतीयों उपर अंग्रेजी राज वेले। बजुर्ग तो अन्याय ते जुल्म सहार लेंदे हन पर नौजवानों का खून उबल पैंदा है। जिस तरह अपने देश भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध गुप्त गदर पार्टियां बनिया हुई सन, इहो जिही हालत उदों पोलैंड की सी। इसलिए वह भी नौजवान बागी टोले में रल गई। मापिया ने इस डर तो कि मेरी कितने जार के जुल्म का शिकार ना हो जाए मेरी पोलैंड तो बाहर क्रैको यूनिवर्सिटी में दाखिल होने लिए भेज दिता। क्रैको शहर उत्ते उदों आस्ट्रिया की हुकूमत सी। जब मेरी ने यूनिवर्सिटी के अफसर पास साइंस दीयां जमातों में दाखिल होने लिए बेनती की तो वह हस पिया तो कहन लगा औरतां की ते साइंस की, तू सीधी खाण पकाने वाली जमात में दाखिल हो जा। तो यह हाल अजकल मैं समझदा बहुत सारिया औरतों का हजे भी यहोजा हाल हो रहा है। मेरी कुदरत ने मजबूत दिल की दात बख्शी हुई सी। साइंस का रंग पिता ने चाढ़े हुआ सी। वह पोलैंड वापस जाने की थान पैरिस में तुर पई। आज़ादी के खेत्र में उदों फ्रांस का पहला नंबर सी। पैरिस की यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में वधिया मनी जाती सी। पैरिस पहुँच के मेरी मॉबोन यूनिवर्सिटी में साइंस दी जमातों में दाखिल हो गई। 1888 में उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया। पास होने तो बाद उन्हें नाल नाल पढ़ाना भी शुरू कर दिता। अते नाल ही मॉबोन यूनिवर्सिटी दी लैबोरेटरियां में साइंस की खोज शुरू करती। इंसान को कामयाबी लिए कुदरत ने एक हथियार बख्शा हुआ है अते वह है दृढ़ता नाल मेहनत करनी। मेरी ने बड़ी हिम्मत की अते दृढ़ता नाल अत्यंत गरीबी की हालत में अपना खोज का काम जारी रखिया। इत्थे ही उसका पीरी क्यूरी नाल मिलाप होया जिहड़ा साबोन दी यूनिवर्सिटी में लैक्चरर लगा हुआ सी। उसकी लियाकत करके चंगी शोभा सी। 1895 में उन्हां दी शादी हुई अते मेरी सकलोड्सका मैडम क्यूरी बन गई। दोहां नूं साइंस की खोज का खबर सी अते दोवें दीवानियां वांगू इस खोज में मस्त रहिंदे सन। अते इह एक आदर्शक जोड़ी बन गई। परस्पर प्रेम अते सत्कार उपरों साइंस का इश्क खूब आनंदमय समा बीतण लगा। जिस आनंद की खोज लई दुनिया भजी भटकती फिरती है वह तो अपने दे भुल जाण विच है। अपने भुल दी तां ही है जे मन किसी होर मस्ती विच ग्रसिया जाए। दोवें दिन रात खूब अपनी मस्ती विच रहिंदे सन। ना बहुते गप गपौड़े मारने, ना बहुता किसी नाल मिल गिल। घर आना तो प्रोफेसर ने कपड़े धोण लग पैने अते मैडम ने रसोई में जाके खाना तैयार कर लग पैना। इन्हां दे दो बच्चियां पैदा हुईयां। इन्हां दो बच्चियां नूं पालण ते खड़ाउण लई भी आप ही दोवां ने समां कढ़ना। इंसानी जिंदगी दा विकास सीधी लकीर विच नहीं हुंदा, सगों लहरिया हुंदा है। जदों लहर उपर नूं चढ़दी है तां विकास की गड्डी खूब तेज़ हो जाती है अते महीनियां दा पैंडा दिनां विच निबड़ जांदा है। साइंस की खोज का भी इहो हाल है। कोई समय ऐसा आता है जब खोजियों ऐसे लिशकारे पेंदे हन कि साइंस का एक नवा युग ही बदल जाता है। 1895 में ही शादी हुई अते 1895 में ही बर्लिन में रॉन्टजन ने एक्सरेज की काढ कढ़ी। ये बड़िया हैरान करन वालियां किरणा सन जिहड़ियां ठोस मद विचों लंघ जांदियां सन अते फिर स्क्रीन परदे उत्ते पै के अपनी होंद नूं प्रगट कर दिंदियां सन। 1896 में सारबोन विखे प्रोफेसर बैकरल ने भी इस तरह दीआं किरणा होंद विच लैंदियां जिन्हां नूं उस वेले बेकलन रेज का नाम दिता गया। बैकरल एक हनेरे कमरे में अपने तजर्बे कर रहा सी। एक फोटोग्राफ की प्लेट काले कागज़ में लपेटी पई सी। नेड़े ही यूरेनियम सल्फेट के कुछ क्रिस्टल पए हुए सन। जदों फोटो प्लेट नूं डिवेलप किया
तो उस उपर यूरेनियम सॉल्ट दे क्रिस्टल की तस्वीर बनी हुई निकली। बेकरल ने तजर्बे जारी रखे तो अखीर में यह नतीजा कढ़िया कि यूरेनियम सॉल्ट्स विचों ही एक्सरेज वांगू अन्नियां किरणा निकलदियां हन। हुण दुनिया भर के साइंसदानों की रुचि इन नवीं अन्नियां किरणा वल मुड़ी। इंग्लैंड जे जे टॉमसन और चेला रदरफोर्ड इन तजर्बे में जुट पे। 1904 टॉमसन ने भी इसे किस्म दियां होर किरणा कढ़ियां जिन्हां नूं उसने कैथोड रेज का नाम दिता। सारबोन मेरी क्यूरी पेरी क्यूरी की सुभाग जोड़ी भी यूरेनियम सॉल्ट्स विचों निकलदियां बेकरल किरणा की देखभाल लग पई। पिच ब्लेंडी एक सख्त काला पत्थर हुंदा है जिस विचों यूरेनियम निकलती है। जब इस जोड़ी ने पिच ब्लेंडी पत्थर नूं परखिया तो उस विचों बेकरल किरणा यूरेनियम सल्फेट नालों 4 गुणा तेज निकलियां। इस तों कुदरती नतीजा निकलिया कि पिच ब्लेंडी पत्थर विच कोई ऐसा अंश है जिहड़ा यूरेनियम सल्फेट नालों बहुत ज़्यादा तेज है। इस अंश नूं लभण अते उस नूं पिच ब्लेंडी विचों कढ़न लई मेरी क्यूरी अते पेरी क्यूरी ने लक बन लिया। पिच ब्लेंडी एक महंगी वस्तु सी अते इहदे लई इन्ने पैसे कित्थों आउण, पर जिस तरह कहिंदे हन जिथे चाह उत्थे राह, वसीले पैदा हो ही जांदे हन। ऑस्ट्रिया विच जद पिच ब्लेंडी दे भंडार सन उत्थों दे बादशाह ने 1 टन पिच ब्लेंडी लई इस खोजी जोड़ी नूं मुफ्त भेटा कर दित्ती। मणा ते टना दे तजर्बे लैबोरेटरियां विच तां हो नहीं सकते, उन्होंने खुली थां ते डेरे गढ़ दित्ते। 6 महीने इन्हां तजर्बियां विच जुटे रहे। 1 टन पिच ब्लेंडी, 50 टन पानी अते 5-6 होर कैमिकल्स वरते। पहला एक चीज़ की खोज की जिस दा नाम मेरी दे जन्म स्थान ते प्रोटोनियम रख्या गया। फिर अखीर नूं ऐसा तत् खोजा जिहड़ा यूरेनियम नालों सैकड़े गुणा तेज सी अते इस दा नाम रेडियम रख्या गया। 1 टन पिच ब्लेंडी विचों केवल 6 ग्राम रेडियम की प्राप्ति हुई। रेडियम एक नायाब चीज़ है। जब साइंसदानों ने चंगी तरह खोज करके इसकी प्रोड़ता की तो 1904 हैनरी बेकरल, प्रोफेसर पीरी क्यूरी और मैडम क्यूरी तिन्हां नूं साझा नोबल पुरस्कार मिला। उस साल इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने इस खोजी जोड़ी नूं डेवी मैडल प्रदान किया। इस प्रशंसा तो प्रभावित होकर सारबोन यूनीवर्सिटी ने रेडियो एक्टिविटी का नवा डिपार्टमेंट खोलिया और प्रोफेसर पेरी क्यूरी उसका मुखी नियुक्त किया और मैडम मेरी क्यूरी दूजे दर्जे पर रखिया। कुदरती लीला इस तरह चलती है, कदे मेल मिलाप, कदे विछोड़े, कदे दुख अते कदे सुख। 1907 प्रोफेसर पेरी क्यूरी पैरिस की एक गली टप रहा कि अचुचे पिछों 2 घोड़ियां वाली बग्गी सिर तोड़ रफ्तार नाल आ गई अते प्रोफेसर कुचल के अगे लंघ गई। प्रोफेसर पेरी क्यूरी थां ही दम तोड़ गया। मेरी क्यूरी इस आदमी का दुख तो होना ही सी, पर साइंसदान सी अते इस दुख नूं पी गई। हुण सारबोन विच मैडम क्यूरी अपने पति की थां ते हैड बना दिता गया। खोज उस तरह जारी रही और 1911 मेरी क्यूरी दूजा अते नवेकला पुरस्कार मिलिया। सारबोन विच एक रेडियो इंस्टीट्यूट खोली गई अते मेरी क्यूरी ने अपने पल्लों पैसे खर्च के अपनी जन्मभूमि वारसा विच एक वक्री रेडियो इंस्टीट्यूट जारी की थी। रेडियम एक अनोखी वस्तु है अते इस विचों जिहड़ियां किरणां निकलदियां हन वो इन्नी तेज होंगे कि पिंडे ते जिस थां वो छो जाण उसदे सब सैल मर जाते हैं अथवा मास सड़ जाता है। इसे सिफत का सदका रेडियम हस्पतालों में कैंसर, आर्थराइटिस आदि बीमारियों के इलाज लिए वरत्या जाता है। डॉक्टरों पास कैंसर का यह एक इलाज है तो यदा सिरा मैडम मेरी क्यूरी नूं जाता है। रेडियम जिंक सल्फाइड नाल मिला के हनेरे में चमकण वाले पेंट ल्यूमिनियस पेंट के तौर पर वरत्या जाता है। क्लॉकां अते घड़ियां, अंकां अते सुइयां नूं हनेरे विच इह पेंट लिशकाउंदा है। 1914 से 1918 के युद्ध वेले अंग्रेजी हुकूमत ने मैडम मेरी क्यूरी नूं एक कार भेट की। वो इस कार में चढ़ के जख्मी फौजियों नूं जिथे किते रेडियम के इलाज की लोड़ पवे पहुँचती सी। उन्हें 1 मिलियन लोगों की जान बचाई, पर फ्रांस की सरकार ने उन्हें इहदा सिरा ना दिता। 1921 अमरीका के सदे ते मैडम मेरी क्यूरी न्यूयॉर्क गई। उत्थे उसका निघा स्वागत होया अते प्रधान हार्डिंग ने उसनू 1 ग्राम रेडियम भेटा किया तां कि वह अपना खोज का काम जारी रखे। उदों ही अमरीका दी औरतां ने भी अपने सरताज औरत नू 1 ग्राम रेडियम अते 1
होर दौलत पैदा की, जो दौलत मिली वो मेरी मैडम क्यूरी ने वारसा दे हस्पताल में देती। 1929 जब अमरीका का दूजा फेरा पा के वापस आई तो फ्रांस की सरकार ने उन्होंने 15 लाख फ्रैंक रेडियम फैक्ट्री रिसर्च लैबोरेटरी बनाने ग्रांट के तौर पर दे दते। अपने पति की अचानक मौत पिछों मैडम मेरी क्यूरी उत्ते अपन दोहां बच्चों पालने की एक होर बड़ी जिम्मेवारी पै गई। उसकी खुशी की कोई हद न रही जब उसकी बड़ी लड़की आइरीन क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की खोज में लग गई। अपने पति जोलियो नाल रल के उसने बनावटी रेडियो एक्टिविटी उत्ते काम किया। इस काम लई मैडम आइरीन क्यूरी जोलियो और उसके पति नूं 1935 नोबल पुरस्कार मिलिया। साइंस के खेत्र में मैडम क्यूरी ने बराबर की साइंस के खेत्र में मैडम क्यूरी के बराबर की शायद अजे कोई औरत नहीं हुई। इतने गल भी नोट करने वाली है कि जोड़े मर्द ये सोचते हैं कि औरतों की सूझबूझ उन्होंने घट है, वह मूर्खता की दल दल में फंसे पे हैं। साइंस ने यह साबित करता कि औरत का दिमाग मर्द नालों किसी पास भी घट नहीं है। यह तो मर्दावी धौंस और धार्मिक अकीदियां ने समाज में पुठियां पेंदा चढ़िया हुई हैं। घट बितकरे वाले पछमी समाजों में औरतों को बराबर के मौके और वातावरण दिता जाता है। यह भी कारण है कि पछम ने तरक्की की है और असी भारतीय अजे भी अपने धार्मिक अकीदियां बलगणा तो बाहर नहीं निकल रहे। इस दुनिया ने सुख आराम और खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ साइंस ने बनाया है। साइंस करके ही खलकत अरोग हो सकती है और बीमारियों का फस्ता बढ़ सकती है। इंसानियत साइंस में है, धर्मों में नहीं। ये राजनीति ही है जो साइंस में इंसानियत के विनाश लिए वरती है। साइंसदान कदें भी यदि प्रोड़ता नहीं करते। वो समाज ही सभ्यक होता है जिथे औरत को बराबर औरत को बराबरी दी जाती हो पढ़ी लिखी हो। बुलंदियों उत्ते पहुँचने वाली साइंसदान मेरी मैडम क्यूरी सानू सदा लई 4 जुलाई 1934 छड़ के चली गई। उसका नाम रिंदी दुनिया तक ध्रुव तारे वांग चमकता रहेगा। 2011 इंटरनेशनल डे ऑफ कैमिस्ट्री मनाया गया और मेरी क्यूरी के मुल्क पोलैंड ने इस साल में मेरी क्यूरी का साल कह के उन्हें सम्मानित किया। इतने यह भी याद रखा जाए कि जब 1993 मेरी क्यूरी ने PhD की डिग्री यूनीवर्सिटी ऑफ पैरिस तो मिली सी तो उसके पति पेरी क्यूरी रॉयल इंस्टीट्यूशन लंडन विखे भाषण देने लिए सद्या गया सी ताँ कि वह रेडियो एक्टिविटी बारे दस सकन। तो मेरी क्यूरी एक होर एक औरत होण करके भाषण नहीं सी देन दिता गया। सिर्फ उसका पति ही इस बारे दस सकिया सी जदों कि इस खोज का मुढ़ला अते ज़्यादा काम मेरी क्यूरी का सी। उन्होंने अपनी इस खोज का पेटेंट भी नहीं सी कराया अते इस करके वह इस तों कोई कमाई ना कर सके अते होरां ने कमाईयां करके घर भर लै। औरतों नाल किन्ना ज़्यादा पक्षपात किया जाता सी इहदी उदाहरण यह भी है कि जब 1993 रॉयल स्वीडिश अकैडमी ऑफ साइंस ने पेरी क्यूरी उसकी पत्नी मेरी क्यूरी और हैनरी बेकरल नूं इकट्ठे नोबल प्राइज़ देना सी तां कमेटी ने पहला सिर्फ पेरी क्यूरी और हैनरी बेकरल नूं ही नोबल पुरस्कार देना सी। इस फैसले बारे कमेटी के एक स्वीडिश हिसाबदान मैंबर मैगनस गोस्टा मेटेगलेफर ने जब पेरी क्यूरी नूं दस्या तो उन्हें कमेटी नूं शिकायत की ता जाके मेरी क्यूरी का नाम दर्ज किया गया। जब इनाम लैण की गल आई तो दोवें पति पत्नी ने खुद आप जाके स्टॉकहोम विखे इनाम लैण जाने तो इनकार करता कि वह अपने काम में बहुत रुझे हुए हैं। पेरी क्यूरी नूं लोगों सामने वाहवा करना चंगा भी नहीं सी लगता। इस पुरस्कार की एक शर्त यह भी होंदी है कि नोबल पुरस्कार तो बाद उन्होंने भाषण भी देना पैंदा है तो इस करके उन्होंने खुद 1905 उत्थे जाना पिया सी। एक गल यह भी सी कि 1993 पेरी क्यूरी की सेहत भी ज़्यादा ठीक नहीं सी। पुरस्कार के मिले पैसों नाल मेरी अते पेरी क्यूरी एक लैबोरेटरी सहायक रखने के योग हुए सन। यह भी हैरानी वाली गल है कि इस इनाम तो बाद पेरी क्यूरी नूं यूनीवर्सिटी ऑफ पैरिस में प्रोफेसरशिप देती गई सी अते फिजिक्स का चेयरपर्सन बनाया गया सी। पर उन्हां कोल अजे भी कोई लैबोरेटरी नहीं सी जिथे चंगी तरह प्रयोग की जा सकन। जब पेरी क्यूरी ने उस बारे शिकायत की तो उन्हें जको तुको मान लिया अते फिर भी लैबोरेटरी जाके 1906 तैयार हुई। जब मेरी क्यूरी अते उहदे पति पेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की तो उन्होंने प्रयोगशाला घर के पछवाड़े एक छोटी जी छेड जां पंजाबी विच जिहनूं झुग्गी कहा जाता है सी अते ओह भी मीह पैण उत्ते थां थां तों चुंदी रहिंदी सी। मेरी क्यूरी अपने मुल्क पोलैंड पोलिश भाषा नूं बहुत ज़्यादा प्यार करती सी अते इसे करके उन्हें पहले खोजे रसायणिक तत् कैमिकल एलीमेंट का नाम पोलोनियम रखिया। यदि खोज जुलाई 1898 की गई सी
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਸਾਇਣਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ 26 ਦਸੰਬਰ 1898 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੇਡੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੇ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਸੰਬਰ 1904 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਈਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਰਸਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੋਲਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। 26 ਜੁਲਾਈ 1895 ਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪੇਰੀ ਨਾਲ ਸੀਕੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਸਤਿਕ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1906 ਨੂੰ ਪੇਰੀ ਕੁਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ 1906 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਰੀ ਪੌਲ ਐਮਲੀ ਰੌਕਸ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਿਊਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1911 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰੈਂਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 1962 ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਰਟ ਪੈਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉੱਪਰ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਵੋ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ ਈਰਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਊਜਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ UP ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਈਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨੂਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1911 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਫਰੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਖੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
सरकार नूं पैसे चाहिए हैं, मैनू कोई भुलेखा नहीं कि ये पैसे कितने गुआच ना जा। 1920 इरेडियम की खोज के 25वें साल वेले फ्रांस की सरकार ने उसके लिए एक वजीफा चालू कर दिता और इस वजीफे लैन वाला पहला महान महान साइंसदान लुई पाश्चर जो 1822 तो 1895 तक जीता रहा 1921 जब मेरी कुरी अमरीका गई तो श्रीमती विलियम ब्राउन मेलनी ने मेरी कुरी रेडियम फंड शुरू किया ता कि रेडियम खरीदा जा सके। उस वेले जब अमरीकन प्रधान वॉरन हार्डिंग ने उसका निघा स्वागत किया तो उन्होंने एक ग्राम रेडियम भेट किया तो फ्रांस सरकार को बड़ी शर्म आई कि उन्होंने मेरी नूं कोई सरकारी सम्मान चिन्ह नहीं सी दिता जो वो उस वेले पहन सकती। बाद में फ्रांस सरकार ने जब उन्हें लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड देना चाहा तो इस खुददार साइंसदान ने उन्हें लैंड तो इनकार कर दिता। 1922 फ्रेंच अकैडमी ऑफ मेडिसिन की फैलो बन गई। इस संस्था की संचालक मेरी क्यूरी सी इस संस्था ने चार साइंसदानों इस योग बनाया कि वह नोबल पुरस्कार ले सकन। इन्होंने नोबल पुरस्कार जितने वाले विचों एक उसकी अपनी बेटी अरीन जोलियट क्यूरी सी और उसका जवाई फ्रैडरिक जोलियट क्यूरी सी। अगस्त 1922 मेरी क्यूरी लीग ऑफ नेशनस की मैंबर बन गई और एक नवी इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटलैक्चुअल कोऑपरेशन बनाई जिदी वह 1934 तक मैंबर रही। इस कमेटी का आलबर्ट आइनसटाइन भी मैंबर से। आलबर्ट आइनसटाइन का IQ 160 तो 180 सी जो कि मेरी क्यूरी का IQ इंटेलीजेंट क्वोटेंट 180 तो 200 तक सी। सो इस करके ए मेरी क्यूरी आए आलबर्ट आइनसटाइन भी ज़्यादा इंटेलीजेंट सी। 1930 इंटरनेशनल अटोमिक वेट्स कमेटी लिए चुन लिया गया जिथे वो आखिरी दिन तक सेवा जिथे वह आखिरी दिन तक सेवा करती रही। 1931 कैमरन प्राइज फॉर थैरापूटिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा प्रदान किया गया। 1995 फ्रांस की सरकार ने जब मेरी कुरी के मृतक शरीर को बाहर कढ़ के निरीक्षण किया तो कहा कि जब वो जींदी सी तो उन्होंने रेडियम नाल नहीं सी नुकसान होया क्योंकि ये ता ही नुकसान कर सकता है अगर निगल लिया जाए, पर उसकी मौत एक्सरे और रेडियो एक्टिव आइसोटोप की किरण नाल हुई सी क्योंकि पहली संसार जंग वेले जब वो जख्मी फौजियों की मदद करती सी तो इन्हों अपने कोट की जेब पा के रखती सी। इन्हों का किरण तो बचने लिए उन्हें बचाव वाले कपड़े भी नहीं सन पाए होंगे। मेरी क्यूरी नूं अपने पति के कोल ही सुसेक्स सिमिट्री में दबाया गया पर 60 साल बाद 1995 जाके इस साइंसदान जोड़ी के सम्मान में उन्होंने मृतक शरीर को पैरिस पेनेथोनी में लेके आंदा गया। उन्होंने शरीर को सिक्के की फॉयल नाल बंद करता गया ताकि कोई रेडिएशन ना निकल सके क्योंकि वह रेडियो एक्टिव मटीरियल नाल अते रेडियम नाल काम करते रहे सन। ये मान सम्मान लैण वाली वो पहली औरत हो निबड़ी है। रेडियो एक्टिव मटीरियल करके वो 1890 तो लैके सारे पेपर्स में खतरनाक करार दिता गया कि उन्होंने बहुत ही एहतियाती वरतों में लिया जाए। इतों तक कि वोदिया खाण पकाने वाली किताबा भी रेडियो एक्टिव मटीरियल नाल ग्रस्त हैं। वो सारे खोज पत्र भी लैड लाइंड बॉक्स में रखे गए हैं और अगर कोई उन्होंने देखना भी चाहे तो उन्होंने बहुत अत्याधिक कपड़े पाने पेंदे हैं। अपने अखीरले सालों में वो रेडियो एक्टिविटी नाम की किताब लिख रही थी जो उसकी मौत तो बाद 1935 में छपी सी। मेरी गुरु दियां खोजां ने सिर्फ कैंसर की रोकथाम नहीं की सगों एटम की बड़मुली खोज भी आर्नस रदरफोर्ड वर्गे महान साइंसदान ना कर सकते। उसदियां काढ़ां ने सिर्फ फिजिक्स ते कैमिस्ट्री दियां मनियां होईयां चुगाठां नहीं हिला के रख दिता सगों समाजिक सरोकारां नूं भी तोड़ मरोड़ दिता कि औरतां किसी तरह भी आदमी नालों घट नहीं हन। मेरी गुरु नूं फ्रांस एक बगाने मुल्क में भी अपने मुल्क पोलैंड में भी औरत होने करके थां थां उत्ते वितकरे की पीड़ सहारनी पई सी। मेरी कुरी बहुत ज़्यादा ईमानदार सी अते जीवन शैली भी बहुत ही सधारण सी। जब उन्हें 1893 थोड़ा जिहा वजीफा मिलिया सी तो उन्हें वह सारा पैसा उस वेले वापस करता जब 1897 थोड़ी बहुत कमाई कर लग पई सी। इतों तक कि जो पैसे पहले नोबल पुरस्कार तो उन्होंने मिले सी उन्होंने बहुत सारी राशि उन्हें अपने दोस्तों परिवारक मैंबर विद्यार्थियों और खोज करने बन दिती सी जिन्होंने कि यही बहुत ज़्यादा जरूरत सी। उन्हें अपनी खोजों का पेटेंट भी जानबूझ के नहीं कराया ता कि खोज करने वाले कोई दिक्कत ना आए नहीं तो पेटेंट करवा के पैसा ना अपना घर भर सकती सी। इतों तक कि वह आप भी जाति इनाम लैण के हक में नहीं सी अते कहिंदी सी कि वह इनाम सम्मान उस संस्था उत्ते जाण जिहदे नाल वह जुड़ी हुई है। वह अपनी अते उहदा पति पेरी क्यूरी भी किसी भी सम्मान लैण तों अक्सर इनकार कर दिंदे सन।
शायद इसे करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा सी शायद मेरी क्यूरी ही है कि यह इंसान है जिन्हों शोहरत बेईमान नहीं बना सकती। जिस तक सम्माना की गल है 2009 में न्यू साइंटिस्ट मैगजीन ने सर्वेक्षण कराया तो मेरी क्यूरी नू मोस्ट इंस्पीरेशनल वूमेन इन साइंस कहा गया अते उन्हों पहले नंबर पर 25.1% वोटा पईआं जो कि दूजे नंबर पर रोजलैंड फ्रैंकलिन 14.2% वोटा मिली। 7 नवंबर 2011 गूगल ने उसके जन्मदिन खास तौर पर गूगल डूडल नाल मनाया। उन्होंने हेठ लिखे सम्मान भी दिए गए सन डेवी मैडल 1903 मैट्यूसी मैडल 1904 एलियट क्रीसन मैडल 1909 अल्बर्ट मैडल 1910 विलर्ड गिब्स मैडल 1921 केमलन प्राइज फॉर थेरापूटिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा 1931 दो नोबल पुरस्कार तो बिना ये उपर लिखे मान सम्मान की गल जिथे इतें ही खत्म नहीं हो जाती। 10 दिसंबर 2011 न्यूयॉर्क अकैडमी ऑफ साइंस ने 100वीं वरेगंढ मेरी क्यूरी के दूजे नोबल पुरस्कार समर्पित की और उस इकट्ठ में शहजादी मैडलीन ऑफ स्वीडन भी मौजूद सी। 1921 फ्रैंकलिन मैडल भी दी अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसायटी वालों दिता गया सी। इस तो बिना दुनिया भर दी यूनिवर्सिटियां ने उन्होंने डिग्रियां देकर सम्मानिया। साइंस की दुनिया ने रेडियो एक्टिविटी सिंबल CI वो नाम पर रखिया। रसायनिक तत्वों में नंबर 96 नू क्यूरियम किया जाता है। 3 रेडियो एक्टिव फंजां के नाम कूपरो स्कोलडोज काइट अते कूपरो स्कोलोंस काइट भी उन्हें समर्पित किए गए। यूरोपियन यूनियन ने बाहरले मुल्कों में काम कर ले द मेरी स्कोलडोवस्की क्यूरी एक्शन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। 2007 में पैरिस में 2 मैट्रो स्टेशन के नाम बदल के पेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी को समर्पित कर दिए गए हैं। पोलिश न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर मारिया के नाम उत्ते रखा गया है। द 7000 क्यूरी एस्ट्राइड भी उसके नाम को समर्पित कर दिया गया है। KLM MC डोनल्ड डगलस MD-11 रजिस्ट्रेशन PHKCC भी उसके सम्मान हित कर दिया गया है। 2011 में एक नवा पुल वॉरसो ब्रिज जो कि वेस्टूला रिवर के उपर मेरी क्यूरी समर्पित किया गया। 2020 जनवरी स्टेलाजो कंपनी ने माइक्रो सैटेलाइट नसूत 8 जिन्हों मेरी भी कहा जाता है मेरी क्यूरी समर्पित की गई है। बहुत सारिया इंस्टीट्यूशन ने अपने नाम मेरी क्यूरी रखिया और यह सम्मान दुनिया भर में दिता जा रहा है। 1948 बरतानिया मेरी क्यूरी चैरिटी बनाई गई जो कि टर्मिनल इल यानी जो हूँ जीवन लीला बचा नहीं सकते की मदद लिए है। कई अजायब घर अपने नाम मेरी क्यूरी के नाम से रखे हैं। बैंक नोटा और डाक टिकटों उपर मेरी क्यूरी की फोटो छापी गई है और बहुत सारिया फिल्मा भी उसके जीवन और संघर्ष को दर्शाई बनाई गई हैं। फिल्मों तो बिना बहुत सारे नाटक भी मेरी क्यूरी के जीवन उपर लिखे गए और खेडे जाते हैं। साढ़े लिए यह गल सीख वाली है कि असी भारतीय लोग भी अपने साइंसदाना की कदर करिए विज्ञानिक सोच में बधाने वाले कदम चुकीए। दूसरी अहम गल यह भी है कि जब भी किसी इंसान नाल किसी भी तरह का कोई वितकरा हुंदा होवे उहदे हक में खड़े होइए अते यह महसूस करिए कि अगर मैं उस इंसान की थां उत्ते हुंदा तां की महसूस करदा। तीजी गल कि मान सम्मान हल्लाशेरी ते बड़ाइयां लोगों नूं जींदे जी देईए क्योंकि मरन तो बाद अज तक कोई भी वापस नहीं आया। ये तो सी जी मेरा यह लेख मेरी क्यूरी बारे। हैलो जी कौन से जी कितों बोल रहे जी? हैलो साहब जय भीम जय भारत जी। हाँ जी मान साहब जय भीम जय भारत जी। तुसी मेरी क्यूरी दी पूरी लाइफ बारे हिस्ट्री बारे बहुत विस्तार ना दसिया। थैंक यू। अगर मेरी क्यूरी ना हुंदी ते और सर्च ना कर दे रेडियम बारे तो अज जिहड़ा कैंसर दा इलाज चल रहा वह कदे भी मतलब लोगों नू फायदा ना हुंदा उहदा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो उन्हां नू औरत होण करके उत्थे अमेरिका दे विच यूनिवर्सिटी दे विच PhD नहीं करन दित्ती ते उन्हां नू फ्रांस विच आके PhD करनी पई। ते तुसी भारत दी गल कीती है कि इह जिहड़े साइंटिस्ट हैगे सी इन्हां नू बजाए अप्रीशन देण दे भारत ने इन्हां नू डिक्लाइन कीता। डार्विन दी जिहड़ी रिसर्च सी ना ह्यूमन बीइंग दे बारे। हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ उन्हां ने ओ किताब ही ओ बरका ही पाड़ दित्ता। ये तो बिना मान साहब डॉक्टर खराना भी यानी कि दुखी हो गए इतों चल गया से मुड़ के आया नहीं इंडिया जो उन्होंने नोबल प्राइज मिलया उदों तो बड़े इन्होंने जश्न मनाए वो मुड़ के गया ही नहीं। वो जी जी कि देख लो फिर इन्होंने क्या उन्होंने रिसर्च की थी
पूरी हिस्ट्री दी ह्यूमन बीइंग दी हाँ, कि पहला बंदर तो किदा मानव तो डिवेलप हुंदी गई इंसान बनया ते लेकिन भारत ने इस चीज नूं खत्म कर दिता कि ये सच्चाई है क्योंकि आदमी उन्होंने कहा कि जिहड़ा एक तां मूंह दे विचों पैदा हुंदा एक बाहां तों पैदा हुंदा एक पेट चों ते एक पैरां चों तुसीं ये दसो भी कित्थे दी थ्यूरी हैगी कि ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ औरत नू भारत दे विच बराबर दे हक पढ़ाई लई लैके दित्ते बिल्कुल अगर बाबा साहब संविधानक हक ना लैके दिंदे अज औरत कदे भी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर इंजीनियर प्रेसिडेंट नहीं बन सकदी सी सब तो बड़ी देन बाबा साहब दी है भारत नू अगर भारत दी जिहड़ी औरत हिस्टरी हैगी है ना उहनू बाबा साहब दा हमेशा ना लैणा चाहीदा अगर बाबा साहब ना हुंदे ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕੁਇਰੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਵ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬੀਇੰਗ ਔਰਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਫੜਕ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 1903 'ਚ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ 1911 ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ ਔਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਰੈਂਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੁੱਝ ਗਈ ਸੀਗੀ
काम करते करते करीब करीब वह ब्लाइंड हो गई थी। हाँ जी हाँ जी। इस तरह के जोड़े प्रयोग करने होंगे ना वह किसी को कोई पता नहीं भी ये खुद तो की होगा वो खुद ये तो फिर हूँ ईजाद का मतलब ही यह है भी अचानक कुछ हो जाता। और सानू स्कूल ये भी दसा गया भी उन्हें पता ही नहीं भी जी उन्हें खोज कढ़ी है ये रात में चमकती है वो तो कोई लोड़ पई तो उन्होंने रात में ख्याल आया भी आह मैं उत्थे रख के भुल गई जब आई तो वह रात में चमके हुई है। कुछ चिर बाद लकीली मैनू एक कड़ी मिली सीको की रेडियम के अखर लिखे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। 1970 तो बाद वो बंद कर दिते गए ना तो वो सुइया ते नंबर जिहड़े ना चमकिया करन मैं कहा वो मेरी कड़ी रात में देख किदां चमकदी है। पर सानू ये भी दसा गया सी भी रेडियम जिहड़ा ना ये इजाद मेरी क्यूरी दी हैगी ते मैं कहा करा भी देखो भी मेरी कड़ी जिहड़ी ना वह मेरी क्यूरी की इजाद की हुई चीज नाल ये रात में चमकदी है। हुण इदां हैगा भी ये तो हो गई बचपन दीआं गल्लां और ये उदों सानू ये थोड़ा जिहा दस्सिया सीगा बहुत गहराई च नहीं सानू पता लग्गिया सीगा लेकिन जिन्हें भी इदा दे होर महान शख्सियत हुई समा भी हो जाता मैं ज्यादा नहीं लूंगा और उन्होंने हमेशा ही पहला दुरकारिया जाता फिर असमान से चढ़ाता जाता और आखिर वह अपने काम च इन्ने गड़ूंद होंगे जाते हैं हौली हौली करके कई बार तो उन्होंने जी मौत भी इन्ह कारण हो जाती है जिस तरह की खत्म करूंगा कह के फिल्म अमन के राजेंद्र कुमार गया ना डॉक्टर बन के ओदी भूमिका सी हीरोशिमा ते नागासाकी विखे जिहड़े परमाणु बंब डिगे सी ना सहायता करन लई किसे डॉक्टर की कहानी दे उत्ते इह फिल्म बनाई सी और वह बेचारा उन्हां बीमारियों का आप ही शिकार हो गया करदे करदे और वह मर गया सीगा। कहण दा मतलब यह है भी सानू प्रणाम करना चाहिए इन्हां इन्हां वास्ते जिहड़े लोग इस हद तक मानवता का भला करके गए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मेहरबानी मेरे वीर जगजीत सिंह जी। ये तो असं जी जगजीत सिंह जी अपने ग्लासगो स्कॉटलैंड तो जिन्होंने अपने विचार सामना साझे किए तुम भी सा विचार अपने साझे कर सकते मेरे तो अजे भी जो 9 मिनट है जिस तरह असं गल कर रहे इस महान शख्सियत को जोड़ा है कोटि कोटि प्रणाम वाली गल है कि डिफिकल्टीज कि इमानदार कि सहरदौर से। हैलो जी कौन थे जी कितों बोल रहे हैं जी। हैलो डॉक्टर नमस्कार। हाँ जी हाँ जी सुमन साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू अगेन हाँ जी फॉर गिविंग मी द चांस टू पे माय ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट लेडी। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा है कि तुम इस महान लोगों को लेके आते हो क्योंकि डॉक्टर साहब इन्हों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन्हों करके आप सेहतमंद तुरे फिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जे जो इन्हें रिसर्च की अपने रेडियो एक्टिविटी ते डॉक्टर साहब एक लगता कि छोटी जी गल है पर जब तुहानू किसे बाह पैंदा जो देखते हैं ओह एडी अफेक्टिव मतलब जो मतलब रेज आ मैं डॉक्टर पता कि मेरी मदर नू ग्लैंड की प्रॉब्लम सी तो वो कहते कि रेडियो रेडियो एक्टिविटी यू नो दी ट्रीटमेंट होनी है असि हॉस्पिटल गए डॉक्टर साहब उ पता नहीं की किया मतलब जी ना उन्होंने सूंघन में कोई चीज दी है एंड शी वॉज ओके यहोजा मतलब जी ना यहोजा मतलब डिजीजेज यहोजा बीमारिया की यह जो रेज है जी ये मतलब आप देख नहीं सकते एक यहोजा इलाज कर सकती हैगी शीवज यू नो शीवज आई थिंक शीवज पोलिश। हाँ जी, हाँ जी। उस तो बाद फिर वो शी केम नैचुरलाइज अपने आप नो वो फ्रेंच बन गई सी दो बारी थोड़ा वैसे तुसी अपने सब कुछ दस चुके हैगे आ दो बारी उन्हें नोबल प्राइज बनया पहली लेडी है जिन्हें नोबल प्राइज बनया और पहली परसन है कि जिन्हें दो प्राइज बने साइंस के सब्जेक्ट के कि वी ग्रेट मतलब यू नो अचीवमेंट आ उसकी जी डॉक्टर साहब वो जी एक मतलब कहावत है वो जी जी सेंग है वो कहती कि लाइफ इज नॉट ईजी फॉर ऑल ऑफ अस बट वी शुड परसिवियर एंड हैव कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्व्स। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक अगे जाके एक होर भी वो कोट हैगी कि वो कहते कि मतलब डॉक्टर साहब हर इंसान च ना कोई गुण होंदा हैगा वो गुण नू पाउण वास्ते इंसान नू गिव अप नहीं करना चाहिए ऑलवेज शुड ट्राई इज बेस्ट टू अटेन दैट गोल। कोई ऐसा इंसान नहीं कुछ ना कुछ इंसान च कहिंदी कोई ना कोई गुण जरूर हुंदा
ਸ਼ੀ ਡਾਈਡ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਰੀਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਯੂ ਨੋ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਆ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀ ਡਾਈਡ ਓਨਲੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ 67 ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਈਡ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਸ਼ੀ ਸਟਰਗਲਡ ਹਾਰਡ ਫੋਰ 30 ਈਅਰਸ ਯੂ ਨੋ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਊਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਊਰੀ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਟਰਮੀਨਲੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਰਮੀਨਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 40,000 ਪੀਪਲ ਵਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸੋ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਕਿਉਰ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ 15-20 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਡੂ ਇਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਆਲਸੋ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਆਈ ਡੋਨਟ ਗੋ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਦ ਚਾਂਸ ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀ 4 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਵੂਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਨ ਆਈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਵੂਮਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਇਨ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਵੂਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੇਰੀ ਗਿਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਦਿਸ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਵੂਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਤੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਜਿਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਈ ਕਿਊ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 180 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ 160 ਤੋਂ 180 ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਬਣ ਸਕਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲਵੀ ਇਹ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਈਟੋਕੋਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਕਿਡਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ
वह माइटोकॉन्ड्रिया करके काम करता नहीं तो असी साड़ी छुट्टी हुई है तो आदमी ने की दिता होंगे है आदमी का और माइटोकॉन्ड्रिया कोई भी डिफंक्ट हो जाता है वह कोई हिस्सा नहीं होंगे है। सो इस करके इस गल में जो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका जिस तरह मैं क्रोमोसोम की भी अगर बहुत सारी गल की है भी जो मर्द का क्रोमोसोम है वो ही मेल या फीमेल चाइल्ड को डिटरमिन करता है पर औरत को दोष दिता जाता। सो ये गल्ला जी है इस गल तो मैं इस करके भी ये बहुत ज़्यादा जोर दिता सी क्योंकि साइंसदानों मैं इस किताब के शामिल सी करना चाहता एक फीमेल साइंसदान तुहाडे सारयां दा ही मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हैगा जिन्होंने इस प्रोग्राम के हिस्सा लिया तो मैं यानी कि जो है हौसला भी दिने तुसी तो मैं उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में भी इदा हौसले देंदे रहोगे तो इस तरह प्रोग्राम जो है आप नवे साइंसदान की अगले हफ्ते गल करांगे क्योंकि इस किताब के सारे साइंसदानों दी जीवनी है जिन्होंने बारे कभी गल नहीं की होंगी। मैं इस करके भी अज इन चुने से क्योंकि पेरी गुरु की जी मौत सी वह अप्रैल की 19 हुई सी तो मैं कहना भी हम चलो मई का महीना है जी लागे है तो बाकी साइंसदानों बारे भी आप गल करते रहेंगे तो उन्होंने उन्होंने श्रद्धांजलि भेट करते रहेंगे उन्होंने रैकग्निशन करने की गल हैगी उन्होंने एक्नोलॉज करने की गल हैगी। मैं अगले हफ्ते थोड़े लिए फिर कोई होर चंगा प्रोग्राम को लेके आऊँगा यहोजा ही तो मैं उद तक इजाजत दो। हैव ए गुड डे एंड बेस्ट विशेज़ तो सानू फीडबैक भी दे। बाय बाय।